Hello YouTube, this is your boy Atiki Safai. Do welcome you to the another PUBG Mobile Gaming video on my channel. और आप आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है. TDM अगर आप खेलते हो तो कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि ये जो पहला किला है, सॉरी ग्रेनेड से आया था, हमने बुलेट टच कर दी और वो पर्सन ठहें और DP गन हमको चेंज करनी थी, गलती से सेलेक्ट हो गई थी और इस पर्सन ने हमको सिर्फ बहाना दे दिया. थैंक यू बॉय, क्योंकि अभी तुम लोग सब जो है ना M16 से जोकर वाली स्किन हमारी जो गन है इससे ख़त्म होने वाले हो. अभी यहाँ से आप देखोगे ना बहुत सीखने मिलेगा, यहाँ बहुत रश होने वाली है और हम पे काफ़ी सारे एनिमी रश करेंगे. सबसे पहले देखिए, हमेशा हमेशा एनिमी को मूवमेंट लेके मारिए और उसको बिल्कुल भी, अगर वो फास्ट है तो आपको स्लो होना है. जैसे यहाँ पे हुआ, हम यहाँ पे किल करने जा रहे थे लेकिन हमारे टीममेट ने ओपन में आके फायरिंग चालू कर दी. जगह खड़े रह के यहाँ पे दो जन थे लिटरली, और एक को तो मैंने किल कर दिया और रिलोड करने के टाइम पे सेकंड पर्सन मेरे सामने आए. अच्छा, मैं मोमेंट लेके उसको कन्फ्यूज़ किया और रिलोड होते ही मैंने गन चला दी. यहाँ पे वापस से वो स्क्वाड जो है मेरे पीछे पड़ गया है, अब इसको मारना है भैया. तो देखिए, एक बंदा बाहर, दूसरा बंदा बाहर, और इन लोगों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए भैया इस पर्सन को जो है ना छोड़ना ही नहीं है. तो वापस वो मेरे तरफ आएंगे या देखिएगा ज़रूर. और हमने फिर से मोमेंट लिया, एक पर्सन, दूसरा पर्सन, और यार ये मतलब मज़ा, एक ग्रेनेड वगैरह, मतलब जो इनके बस में था ना सारा कुछ इन्होंने ट्राई कर दिया और सर एक गोली हमको छू गई, हमारी पेटी बन गई वहाँ पे. और देखिए यार यहाँ पे इस पर्सन को मेरे को मालूम नहीं, इसने मैंने हिट कर दिया, बट ये इतने हिट में तो ऑलमोस्ट वो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हेल्थ उसकी डाउन हो गई थी, हमारी टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया, कोई बात नहीं. अब हमारी देखो, ये जो है ना, ये पर्सन ये घुसपैठिया था तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था. मतलब ये यार हमारे एरिया में कैसे घुस गया भाई, अबे साले बोल के हमने उसको मार दिया. ठीक है, अभी यहाँ पे हम आ रहे थे, हम देख रहे थे कि भैया हमारे टीममेट आगे है तो हमको थोड़ा सा जो है ना पीछे रह के पुश करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे आपने देखा नहीं होगा किल कैसे हुआ, तो मैं जूम कर रहा हूँ और ये इफ़ेक्ट जो है ना आपको, अगर इतने दूर से आप अगर सही में एनिमी को उड़ाना चाहते हो तो आपको एम असिस्ट बंद करना पड़ेगा. अभी यहाँ से क्या होता है मालूम है क्या, यहाँ से चालू होता है, हमको बोलते हैं टीममेट को चलो यार भाई आगे जाओ, पीछे कोई नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेंगे, रश करेंगे हम लोग सारे. और मैं वेट कर रहा था कि भैया कोई, अगर हम टीममेट पे चार्ज हो रहा है तो हम पीछे से उसको जो है ना थोड़ा सा उसकी हेल्थ डाउन करके मस्त असिस्ट करके मारेंगे. बट सीन क्या होता है मालूम है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये मूवमेंट आपको कैसा करना है. देखिए ये मूवमेंट है ना, ऐसा एनिमी को पहले स्पॉट करना है इस तरीके से, जैसा आपको एनिमी मिलता है मतलब चारों तरफ आपको सामने का जो 180 डिग्री है ये देखना है. और यहाँ पे हमने शानदार TPP लिया, मतलब देखिए आप लेफ्ट साइड में ना एक पर्सन को सिर्फ सुपारी दी गई थी, सिर्फ मेरी सुपारी दी गई थी कि भैया कुछ भी हो जाए इसको मारना है. देखिए लेकिन हमारा जो सेकंड नंबर का नूब था, मुझे डर था कि ये भैया मर जाएगा और इसको सही में बहुत डैमेज पड़ा, लेकिन हमने उसको उड़ा दिया, हमने CPT बना दी. अरे अबे साले तू यहाँ क्या कर रहा है, मतलब घुसपैठिया तेरी तो. हाँ यार नहीं करो ऐसा, मैं एक दूसरे के एरिया में मत घुसो, कोशिश करो यार थोड़ा सा. हमारी तो यही स्ट्रेटेजी रहती है कि भैया कोई टीममेट है ना अपने एरिया में ज़्यादा देर तक नहीं रहे. और ये देखो सामने एक और पर्सन, मैं इसलिए फुटबॉलर देखा है आपने, फुटबॉलर ज़्यादा देर तक फुटबॉल अपने पास नहीं करता है, वो पास करता है, मतलब हर एक सिचुएशन को वो यूटिलाइज़ करता है. तो उसी तरीके से बिल्कुल हमने जो है ना इसको एज अ टीम, मतलब टीम परफॉर्म करना है, मतलब मारना है, भागना है, डैमेज देना है, मतलब अपना टीम में जो है ना काम कर ही देगा. अभी यहाँ पे हमारे किल हो गए थे आठ, और ये देखिए साले तो फिर आ गए यहाँ पे. मतलब यार क्या बोली यार, ये घुसपैठियों को अपने टीम मेट से मतलब ना बचाना है, ये लोग ना अपने टीम मेट को मार देंगे फिर टीम मेट जो है कभी अगर डिमोटिवेट हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आती. अभी मेरी गन थी यहाँ पे पूरी ख़त्म हो चुकी थी, गोली हमने ख़त्म हो चुकी थी, स्कॉर्पियन निकाला हमने. तो भैया M16 के सामने स्कॉर्पियन मुझे नहीं लगता, अगर मैं इतना प्रो नहीं हूँ कि यूज़ कर पाऊँ. अभी यहाँ पे सीन ये सारा 31 और 35 यहीं पे, ये 3-4 सेकंड में ना भैया वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मतलब एकदम गेम जो है ना लेवल पे आ गया. 35 और 35, मतलब अभी यहाँ से देख रहे थे, अरे भाई गलती ये हो गई कि हमने ग्रेनेड डाल दिया और हमने जंप मार के ये अपनी गलती जो है कबूल किया, क्योंकि एक्सीडेंटली हमारा जो सेकंड नंबर का प्लेयर था वो ग्रेनेड से मर चुका था. अभी यहाँ पे हमारे 12 किल आ चुके थे. और ये जो देखिए ना, ये हमारे ऐसे भागना नहीं है कभी भी, एनिमी को स्पॉट करना है, जैसे कि हमने एनिमी स्पॉट किया हमारे 4 नंबर को बचाने के लिए, और इस एनिमी को जो है ना हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा, हमारे 4 नंबर के प्लेयर को हमने बचा लिया. अब यहाँ पे सीन ऐसा था कि भैया
एक तो बचो और दूसरा मारो, मींस क्या है पॉइंट नहीं देना है। लेवल हो चुका है गेम 37 37, हम सुपर टीटीपी ले रहे थे, टीटीपी ले रहे थे और यहाँ पे हमने आईक्यू लगाया, राइट से आएगा लेफ्ट से आएगा, तो हमने डिसीजन लिया लेफ्ट में जाते। जैसा हमारा जो आईक्यू था मतलब यार एकदम गजब का, अगर राइट में आते तो शायद से वो बंदा एक पॉइंट उठा लेता था। अभी भी देखो 39 39, और हमने वेट कर रहे थे कि हमारा कोई टीम जो है ना ख़त्म मतलब नहीं हो जाए यार। देखो क्या हो, एक बंदे ने मतलब वो इतना मोटिवेट हो गया हमारी टीम के गेम से कि उसने फाइनली डिसीजन ले लिया और यार यहाँ पे हमारा विक्ट्री होते हुए, अरे MVP आ गया यार, मीन्स 14 किल निकाले हमने और कितना 5 असिस्ट किया, क्या बात है भैया। टू कितना, 1 मिनट, KD कितना आ गया अपना, 2.8 KD आ गया। बाकी के जो टीम मेट्स थे वो कपड़े निकाल के नंगे पंगे घूम रहे थे यार। यार सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, मज़ा आ जाए।